अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी हमजा मसूद। अच्छा आज हम देखेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स को, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पाकिस्तान। ठीक है जी, सेकंड ईयर फिजिक्स जो है ये हमारे पास बच्चों चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट होती है और चैप्टर नंबर 21 पे ये एंड होती है। इस ये जो बुक है हमारे पास सेकंड ईयर की, इसके अंदर हमारे पास फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेज आ जाती हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे इसमें EMT, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दूसरी आप इसे कह लो सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तीसरी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। चौथी हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ये नहीं है कि हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, हम काफ़ी हद तक डिटेल तक जा सकते हैं लेकिन कंप्लीटली डिटेल नहीं होगी इनकी, मतलब इसकी ना थोड़ी थोड़ी हद तक हाउ नाउ हमें दी जाएगी। फिर हमारे पास पांचवी है जी एटॉमिक फिजिक्स, और नंबर सिक्स पे हमारे पास आ जाती है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, आपने देखा होगा जो जितनी भी फिजिक्स की बुक होती है ना, जैसे हमारे पास हमारी जो पार्ट वन की बुक है वो चैप्टर नंबर 1 से शुरू होती है और चैप्टर नंबर 11 पे एंड होती है। देन पार्ट 2 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 से ऑनवर्ड शुरू होती है, चैप्टर नंबर 21 पर जाती है। मोस्टली जो सेकंड हाफ पोर्शन होते हैं ना फिजिक्स की बुक्स के, उनमें ये वाली चीज़ें आती हैं, और जो फर्स्ट हाफ पोर्शन होते हैं उनमें मोस्टली क्लासिकल फिजिक्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है ना, चैप्टर नंबर 16 तक ये EMT चलती है, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर 18, 19, 20 और 21। ठीक है जी, अब हमारा जो पहला चैप्टर है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम उस चैप्टर से आज स्टार्ट लेंगे, चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर का नाम है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको इस फिजिक्स के अंदर का इंट्रोडक्शन दे दूं, ये जो हमारी सेकंड ईयर की बुक है, इसलिए हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेकंड ईयर फिजिक्स। ओके, यानी कि सेम कि हमें इस बुक के अंदर पता होना चाहिए कि इस बुक में हमने बेसिक चीज़ जो है, इस पूरी बुक में हमने डिस्कस किसे करना है वो ज़रा हमें इधर पता लगेगी। अब हमारे पास स्टार्टिंग में लेता हूँ कि हम वैसे तो मैं EMT से स्टार्ट लूँगा, बाकी पोर्शन हम बाद में, क्योंकि EMT का पोर्शन चैप्टर 12 से 16 चैप्टर तक है। ठीक है जी, ज़्यादा चैप्टर इसके हैं तो हम EMT से स्टार्ट लेंगे और EMT के हाउ नाउ लेंगे। देखिए, जब भी आप लाइट को टर्न ऑन करते हैं लाइट, तो आप देखते हो कि अभी कुछ लम्हा भी नहीं गुजरा होता, आप जैसे स्विच ऑन करते हो लाइट फौरी चल जाती है। या आपके पास कोई रनिंग टर्बाइन है या रनिंग मोटर है, उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि आप कारपेट पे चलते हो और कारपेट पे हम मोस्टली नंगे पांव चलते हैं, तो नंगे पांव हम कारपेट पे चल रहे हैं, लेकिन कारपेट पे चलने के बाद हम जैसे ही किसी मेटल की चीज़ को हाथ लगाते हैं ना, तो आपके उस फिंगर पर या हाथ पर एक हल्का सा शॉक लगता है आपको, जैसे झटका नहीं लगता बिजली का वैसे। अब इन सब के पीछे रीजन क्या है, इन सब के पीछे ये क्यों इतनी स्पीडी काम करती है लाइट के, हम टर्न ऑन करते हैं फौरी मोटर, ये इनमें ना दो चीज़ें कॉमन है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब हमने ये पढ़नी है ये दो चीज़ें, तो हम EMT का इंट्रोडक्शन करते हैं साथ, और EMT के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम देखते हैं कि EMT कैसे एडवांस हुई और EMT की जो बिगिनिंग है वो कहाँ से चलती है, कहाँ से ये सब्जेक्ट या फिजिक्स की ये ब्रांच बनती है। इलेक्ट्रो
मैग्नेटिज्म, EMT, ठीक है जी। अगर हम EMT को देखें ना, तो EMT में एक बहुत फेमस आपको नाम बहुत जगह मिलेगा, उस फेमस नाम का नाम है माइकल फैराडे। ये बंदा जो है ना, ये EMT का गुरु कह लो आप। इस बंदा, ये जो बंदा है ना, इस बंदे, ये था बुक बाइंडर, जिंद साज जिसे कहते हैं, जो किताबों की बाइंडिंग शाइंडिंग करता है, ये बंदा ये था। लेकिन ये से ये एक साइंटिस्ट लेवल पर कैसे गया, ये हिस्ट्री देखो। इस बंदे के पास ना एक बुक आई बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि उसमें आप ऐसे कह लो कि कुछ बेसिक चीजें थी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से। इस बंदे ने बुक बाइंडिंग के साथ साथ ना इस बुक को स्टडी किया, और इसने इस बुक को स्टडी करने के बाद अपने 4 वॉल्यूम निकाले, 4 वॉल्यूम्स ऑफ EMT। EMT के इसने 4 किताबें लिख दी, 4 जिल्दें लिख दी इस बंदे ने, जस्ट इधर से अपने इसने दिमाग को यूज करते हुए। लेकिन इसकी इन 4 वॉल्यूम का जो ड्रॉबैक था ना, वो ड्रॉबैक ये था कि नो सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन। फिर एक बंदा आता है जी हमारे पास, मैक्सवेल। इस बंदे ने क्या किया, इसके 4 वॉल्यूम्स को 4 बेसिक इक्वेशंस ऑफ EMT में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि 4 किताबों की 4 इक्वेशंस बना दी, जिनमें से पहली हमारी ये जो सेकेंड ईयर की बुक है, इसमें 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, चौथी इक्वेशन नहीं है। वो थ्योरी के फॉर्म में हम चैप्टर नंबर 17 में हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन सा करेंगे, थ्योरी के फॉर्म में, उसके मैथमेटिकल फॉर्म में है, लेकिन इसमें 4 इक्वेशन है। सबसे पहली इक्वेशन जो है ना, वो है जी गॉसेज लॉ, दूसरी है जी एम्पेयर्स लॉ, ये चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, और थर्ड है जी इसके अपने नाम पे फैराडे के, फैराडेज लॉ, ये चैप्टर नंबर 15 में हम जी स्टडी करेंगे। कुछ 600 BC में ग्रीक्स जो थे, इन्होंने जब देखा कि जब आप ग्लास को रब करते हो किसके साथ, सिल्क के साथ, और एक और ग्लास को रब करते हो सिल्क के साथ, ग्लास रोड ले लो अपनी आसानी के लिए, तो ये दोनों ग्लास रोड एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी जगह पर अंबर को, अंबर का पता है आप लोगों को, नीले नीले अंबर पे, वो वाला अंबर नहीं, ये अंबर है हमारे पास जो ग्लूस नहीं होती, जो ट्रीज के साथ लग जाती है, उसको, इसको जब हम रब करते हैं किसके साथ, वूल के साथ, तो ये इसी रॉड को क्या करना शुरू कर देता है, अट्रैक्ट। ये गड़बड़े बाबा। अब ये चीज समझ नहीं आ रही, ये बात तब की थी जब हमारी साइंटिफिक वर्ल्ड में लोगों को इसका नहीं पता था, एटम का। और जब एटम का नहीं पता था, तो जाहिर सी बात है तब हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी नहीं पता था। ऑल दो जो अंबर है, इसको ग्रीक्स में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये जी के वाला, ये आपको वर्ड नजर आ रहा होगा, और यहां से फिर हमारी एक टर्म बनती है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो टर्म बनी, यहां से फिर डेवलपमेंट शुरू होती है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अब हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर आपको पता है कि 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास होता है जी उस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस, और जो दूसरी चीज होती है वो है शेल्स। तो जब ये वाला काम हुआ, तो एक बंदा था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, इस बंदे ने कहा कि भाई चार्जेस जो हैं वो होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज चार्ज, तो आप चार्ज को क्या कहोगे, चार्ज का क्वेश्चन मार्क है चार्ज। उसने कहा कि ये जो है, इस पर 2 सिमिलर चार्जेस आ गए थे, और सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यानी कि इधर मैं लिखूंगा सिमिलर चार्जेस, इधर क्या लिखूंगा
ऑपोजिट चार्जेस, लेकिन ये तो पता लगा, लेकिन चार्ज क्या है भाई, चार्ज क्या, व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज को मैं डिफाइन करूंगा, इट इज दी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मीन जायदाद, प्लॉट श्लॉट नहीं है, प्रॉपर्टी मीन कि उसकी विरासती जायदाद है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक होती है विरासती हम कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि जैसे आप की जो आंखें हैं ये कुदरत ने दी हैं, तो ये आपकी इंट्रिंसिक है। लेकिन अक्सर बच्चों को नेक डाई से नज़र नहीं आता, तो वो उसके ऊपर ना अपनी आंख की सहूलत के लिए ग्लासेस लगा लेते हैं। वो जो ग्लासेस लगा कर अब वो देखना है ना, वो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, यानी कि हम जो करेंगे वो एक्सट्रिंसिक, जो कुदरत की तरफ से। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चार्जेस की जब समझ आ गई, तो चार्जेस दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और एक होते हैं नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव होता है प्रोटॉन्स पे और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जो आल दो आइंस पे भी होता है, कैटाइन और एनाइंस पर, लेकिन बेंजामिन ने कहा भी दो किस्म के चार्जेस होते हैं। अब उन्होंने कहा भी दो किस्म के क्यों होते हैं, ज्यादा किस्म के? बस भाई ने बोला करने का तो करने का, बेंजामिन ने बोला तो करने का, तो इसलिए ये करने का। अब न्यूक्लियस जो है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर यूं होता है, और न्यूक्लियस के अंदर बाउंड फॉर्म में पड़े होते हैं आपके प्रोटोन, दैट मीन पॉजिटिव चार्जेस, और इसके गिर्द होते हैं शेल्स, इनके अंदर रिजाइड करते हैं आपके नेगेटिव चार्जेस, दैट मीन इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब क्वेश्चन तो ये था कि भाई इस इन्होंने तो कर दिया एक दूसरे को रिपेल, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज, लेकिन इधर क्या चक्कर बना, ये अट्रैक्शन क्यों हुई? और एक और भी चीज कि जब आप एक चार्ज कैरिंग बॉडी को करीब करते हो किसी न्यूट्रल बॉडी के, तो वो उसे क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। भाई ये भी एक क्वेश्चन था कि ये उसे अट्रैक्ट भी कर लेता है, इसके पीछे क्या रीजन है? अच्छा ये चीज बताई उसने हमें, जो डिफरेंट साइंटिस्ट के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि रदरफोर्ड का है मॉडल, बोहर का मॉडल है, तो वहां से पता लगता है कि एज अ होल हमारे पास जो एटम है ना, वो भाई होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम, यानी कि अगर +10 है इज इक्वल टू -10, तो जब ये बराबर होंगे तो एज अ होल इनका आंसर बनेगा 0। 0 मीन न्यूट्रल। हमें पता लग गया कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। अगर एटम न्यूट्रल है, तो इस एटम के अंदर जो ये न्यूक्लियस है ना भाई, इसके चार्जेस होते हैं बाउंड फॉर्म में, ये निकल नहीं सकते। पॉजिटिव चार्जेस कभी भी अपने न्यूक्लियस को नहीं छोड़ सकता बड़ी आसानी से, बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने न्यूक्लियस को छोड़े। लेकिन जो इसके अंदर, यानी कि एटम के अंदर जो शेल्स हैं, इनमें पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स, ये दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि ये फ्री स्टेट में भी होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, प्लस बाउंड स्टेट में भी होता है, और मोस्टली मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर फ्री स्टेट में होते हैं। तो ये तो हो गया न्यूट्रल, हम कहते हैं भी जितने प्रोटोन उतने न्यूट्रॉन, तो इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्जेस। एक और है हमारे पास एटम, ये एटम हम क्या लेते हैं जी, ए है, और ये एटम जी हमारे पास बी है, इसके ऊपर भी सेम वही चार्जेस। लेकिन अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकले और इधर आ जाए, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पर पॉजिटिव का नंबर बढ़ गया और नेगेटिव का नंबर एक कम हो गया, तो नेट आंसर बना +1। और यहां पर क्या हुआ कि पॉजिटिव का एक नंबर क्या हुआ था, उतना ही था, लेकिन नेगेटिव का एक नंबर बढ़ गया, जिसकी वजह से नेट आंसर बना हमारे पास -1। इसका मतलब है कि जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, उस साइड के एटम या स्ट्रक्चर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहां पर जाएगा उस साइड पर भाई हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जलवा है हमारा, इसको जानी छोड़ गया, इसको जानी ने एक्सेप्ट कर लिया। इधर जानी कौन है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बंदा कहता है, स्टूडेंट कहता है, सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आधा इलेक्ट्रॉन 1/2 इधर चला जाए और 1/2 इधर हो जाए। मैंने कहा नहीं, उसकी वजह क्या है? हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड,
क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? क्या ये फिक्स रहता है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फुटबॉल तो आपने खेला होगा, फुटबॉल के अंदर कितने फुटबॉल होते हैं? एक। क्या आधा फुटबॉल एक टीम के पास होता है, आधा दूसरी के पास? फुटबॉल जब भी है वो एज अ होल मूव करेगा, चाहे इधर मूव करे इस टीम में, चाहे दूसरी टीम में, ए टीम में हो या बी टीम में। सेम चार्ज जब भी जाएगा ये इंटेग्रल फॉर्म में जाएगा। इंटेग्रल का मतलब है एक दो तीन चार पाँच, इलेक्ट्रॉन पाँच जाएंगे, दस जाएंगे, बीस जाएंगे, साढ़े पाँच, सवा दो, ढाई, नहीं, ये हमेशा फुल फॉर्म में जाता है। तो इसका मतलब है कि ये सारी कहानी बेस किस पर कर रही है? जानी पर, इलेक्ट्रॉन पर, कि इलेक्ट्रॉन जो है यही चीज़ों पर चार्ज आने या चार्ज जाने का बायस बनता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो गया, नेगेटिव चार्ज आया तो आया है। तो हमारे पास जो एग्जांपल थी रॉड वाली और वो, तो जिनमें सेम रिपेल कर रहे थे तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज था या दोनों पे पॉजिटिव चार्ज था, और जिनमें अट्रैक्ट कर रहे थे उन दोनों में नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा था कि जब एक चीज़ हमारे पास चार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज और वो किसी न्यूट्रल चीज़ के पास लाई जाए तो वो उसे क्या कर लेता है? अट्रैक्ट करता है। उसकी रीज़न है पोलराइजेशन, जो कि हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब चार्ज को हम इधर नाम देते हैं इलेक्ट्रिक का हम बुक्स में, और हमारे पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो बोले तो चार्ज। अब हमें पता है चार्ज में पॉजिटिव तो जानी बाउंड है, वो जा ही नहीं सकता, सारा काम करता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम बात नेगेटिव चार्ज की कर रहे हैं, लेकिन हम बात इधर चार्ज की करेंगे, कोई मसला नहीं। और स्टैटिक हमारी पास साइंस में या फिजिक्स में बोलते हैं रेस्ट को। इसका मतलब है कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इधर डेफिनेशन लिखूँ तो मैं लिखूँगा द स्टडी ऑफ चार्ज, हमने चार्ज को स्टडी करना है, द स्टडी ऑफ चार्ज कब? एट रेस्ट। इसका मतलब क्या बना कि हमने चार्ज को फुल फॉर्म में स्टडी करना है कि यार जब ये बैठा हुआ है, बैठा हुआ का मतलब ये नहीं है कि जब उसको प्यास लगी तो पानी लेने चला गया, नहीं, बाउंड फॉर्म में हमने उसे पकड़ लेना है, कैद कर लेना, उसके हाथ पांव बांध कर कुर्सी पे बैठा देना है। अब उसके ऊपर हमने स्टडी करनी है, उस सारी स्टडी को फिजिक्स की जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाते हैं, यानी कि EMT के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाता है कि चार्ज एट रेस्ट, और वो चार्ज एट रेस्ट जो भी बिहेवियर देगा वो सारा इस चैप्टर में आ जाएगा, या हम कह लेते हैं कि EMT की इस ब्रांच में आ जाएगा सारा। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार की लगी है और बाकी लेक्चर भी लेना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा।